पंजाब चुनाव से पहले ड्रग मामले में पूर्व मंत्री मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 23 तक गिरफ्तारी पर रोक। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अकाली नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें, मजीठिया मजीठा व अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। अमृतसर पूर्वी में उनके सामने नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 8.5% आर्थिक विकास का अनुमान लगाया। मंगलवार को वार्षिक बजट से पहले संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी मैक्रो संकेतकों ने संकेत दिया कि अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मदद मिली है। चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। जयपुर में REET परीक्षा के पेपर लीक को लेकर ABVP के छात्रों ने किया राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस जांच में पाया गया कि पिछले साल 26 सितंबर को ही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले लीक हो गया था। पुलिस जांच से पता चला कि राज्य के शिक्षा विभाग के एक कार्यालय से एक प्रश्न पत्र चोरी हो गया था और उसके बाद उसे लीक कर दिया गया। पेपर लीक के पीछे राजनेताओं और हाई प्रोफाइल लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए विपक्ष अब CBI जांच की मांग कर रहा है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसे REET आयोजित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही पुलिस बोर्ड के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि उसके सचिव को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि आगामी बजट सत्र में वह भर्ती परीक्षाओं में नकल के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। गुरुग्राम नमाज मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका सूचीबद्ध करने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम नमाज मामले में हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गई है। यह याचिका पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने दायर की है। इसमें मांग की गई कि गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज की घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।